नमस्कार दोस्तों। स्त्रियों को लेट कर प्रणाम नहीं करना चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? क्यों? कारण है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। स्त्रियों के स्तन जमीन पर नहीं टच होने चाहिए। कहते हैं कि पृथ्वी माँ का बहार बढ़ जाता है, ऐसा कहते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? दोस्तों मुझे लगता है कि इन्हीं बाबाओं की वजह से धर्म संकट में आ जाता है। जब इन्हें ही नहीं पता है कि बोलना क्या है, सुनना क्या है और शब्दों के मर्यादाओं को यही भूल जाते हैं, तो लोगों से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। आपके लाखों चाहने वाले हैं, फिर भी आप शब्दों के मर्यादाओं को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कह क्या रहे हैं। आज तक तो हमने यही सुना था कि भगवान हमेशा श्रद्धा का भूखा होता है। वह श्रद्धालु का न तो जात देखता है, न धर्म देखता है, न वस्त्र देखता है। वह सदैव श्रद्धा देखता है कि वह भक्त श्रद्धा भाव से आया है कि नहीं आया है। तो बीच में ये स्त्री पुरुष कहाँ से आ गए कि पुरुषों को लेट के प्रार्थना करना है, स्त्रियों को खड़े होकर प्रार्थना करना है, ऐसे करना है तो ऐसे नहीं करना है। अगर इंसान इतना ही समझदार होता तो वह कबीर को पढ़ता, दादू को पढ़ता, रैदास को पढ़ता, रविदास को पढ़ता, गुरु नानक को पढ़ता, न कि इन बाबाओं को सुनने आता। तो मेरा सलाह यही है आपसे कि इन लोगों के चक्कर में ना पड़े, अपने दिल की सुने, क्योंकि भगवान भी दिल की ही सुनता है। बात तो सही है। और अगर ये इतने ही समझदार होते, इतने ही धर्म के ज्ञानी बनते, तो भगवान इनको कब का दर्शन दे चुके होते। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हर कथा में जा जाके इन्हें पैसे वसूलने की जरूरत नहीं होती, जाके किसी पहाड़ पर संन्यास ले लेते। और मेरे ख्याल से इन्हें संन्यास ले लेना चाहिए।